सब्सक्राइब कीजिए टेक बार को और ज्वाइन कर लो हमारी टेक गैंग को, हम क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। हेलो, मेरा नाम है संजय, आप देख रहे हैं टेक बार। भाई चलो आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि अक्टूबर का महीना मेरे ऊपर कितना भारी था। पहली बात, ये मेरे को फूड पॉइजनिंग हो गई। दूसरी बात, मेरी आंखों में ऐसा इन्फेक्शन हुआ जो एक हफ्ते में जाके ठीक हुआ। तीसरी बात ये कि मेरा iMac फिसल कर टूट गया, जिसमें खर्चा हुआ 50 से 60 हज़ार रुपए का। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा iMac टूटा कैसे। यार देखो, हुआ ये था कि मैं ना एडिटिंग करना चाहता था, बट ऊपर स्टूडियो की जगह मैंने सोचा घर पे एडिटिंग कर लेता हूँ, जो कि मेरा घर नीचे ही है। तो मैं इस iMac को उठाकर नीचे लेके जाने लगा और मैंने एक चेयर पे रख दिया। अब वो चेयर पे से खुद फिसल कर वो गिरा, और जैसे गिरा ना यार, उसका साउंड इफेक्ट आज भी खानों में गूंजता है। उस टाइम पे मेरे को एक बात समझ आ गई थी कि भाई iMac एक कंप्यूटर है, हम उसको ऊपर नीचे नहीं लेके जा सकते लैपटॉप की तरह। और तब मैंने डिसीजन ले लिया कि भाई मेरे को एक मैकबुक प्रो की बहुत जरूरत है। अब आप सोच रहे हो कि भाई मैंने एयर क्यों नहीं लिया। यार एक्चुअल में दिक्कत ये है कि मैं 4K में अपलोड करता हूँ और 4K में ही रिकॉर्ड करता हूँ। विश्वास करना यार, iMac इतना बड़ा होने के बाद भी ना यार 4K क्वालिटी ढंग से नहीं संभाल पाता था। इसलिए मेरे को थोड़ी बेटर मशीन चाहिए थी, तो मैंने डिसाइड कर लिया खरीदने का, जो कि है 16GB वेरिएंट कोर i7 वाला। तो चलो इसी बात पे इसकी अनबॉक्सिंग देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चीयर्स। तो भाई ये है मेरा लेटेस्ट लैपटॉप जिसमें एडिटिंग करने वाला हूँ, वो है मैकबुक प्रो। यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल छुपाते हुए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये 16GB वाला वेरिएंट है, i7 है इसके अंदर, और हमें टच बार भी देखने को मिल जाता है। तो और टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं सीधा बॉक्स को खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हमें अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, क्योंकि ये वाली यार अनबॉक्सिंग हमेशा बहुत ही प्रीमियम रहती है। तो यहाँ से मैं करता हूँ ये पुल लैपटॉप को, और ये प्लास्टिक का रैपर पे आई हुई है। यार बहुत अच्छी अनबॉक्सिंग साउंड आपको मैं सुना देता हूँ। तो भाई ये वाला जो है स्पेस ग्रे कलर है, और जितना मेरा आइडिया है सिर्फ स्पेस ग्रे में ही आती है। तो आगे इसको बाद में देखेंगे, यहाँ पर रख देते हैं और देखते हैं नीचे हमें और क्या क्या देखने को मिलता है। तो इस वाले पार्ट को उठाते हैं और अंदर मैंने ये खोला, और हमें देखने को मिल जाते हैं थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंटेशन, और जितना मेरा आइडिया है एप्पल स्टिकर्स भी यहाँ पर होने चाहिए। तो हाँ भाई, एप्पल स्टिकर्स है यहाँ पर, ये क्विक स्टार्टअप गाइड है, और थोड़ी बहुत मैनुअल्स हमें देखने को मिल जाती है, और बाकी हमें ये टाइप सी केबल देखने को मिल जाती है, चार्जिंग ब्रिक, और ये अडैप्टर। अडैप्टर आपको मैं दिखाता हूँ कैसे फिट होता है हमारे चार्जिंग ब्रिक में। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ऐसे होता है, और हम इसको ऐसे करके फिट कर देते हैं ऐसे, तो ये पूरी चार्जिंग ब्रिक बन जाती है और आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। चलो यार, चार्जिंग की भी अनबॉक्सिंग कर देते हैं। यहाँ से मैं रैपर को हटाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये भी टाइप सी है, और ये केबल जो है दोनों साइड से टाइप सी है। आपको पता होना चाहिए कि मैकबुक प्रो में सारे टाइप सी पोर्ट है, हमें अलग से अडैप्टर खरीदने पड़ेंगे, बाकी बहुत सारे डोंगल खरीदने पड़ेंगे, जिससे अगर आप यूज़ करना चाहते हो कोई भी माइक्रो एसडी कार्ड या कुछ भी। इसकी भी अनबॉक्सिंग कर देते हैं। ये मैंने हटाया, जो कि एक पेपर में रैप हो रखा है पूरा, ये प्लास्टिक नहीं है, ये पेपर है, और एक खोल के मैं इसको दिखाता हूँ। काफ़ी बड़ी केबल है यार, मैं यही देखना चाह रहा था कि बड़ी केबल है या नहीं। तो भाई दोनों साइड से हमारी ये टाइप सी है। मैं जैसे कि कहता आया हूँ कि यार टाइप सी जो है फ्यूचर है, और जल्दी से सारे डिवाइस में हमें टाइप सी देखने मिल जाए, जिससे हर किसी के पास सेम केबल हो। ये लैपटॉप के एक साइड में हमें 2 USB पोर्ट देखने मिल जाते हैं, और दूसरी साइड में हमें 2 USB टाइप सी पोर्ट देखने मिलते हैं। बट अच्छी बात है कि हमें इसमें हेडफोन जैक देखने को मिल जाता, तो भाई ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। बाकी इस लैपटॉप में खास बात है इसकी थिकनेस, जो कि बहुत कम है और इसको बहुत प्रीमियम बनाती है। चलो भाई वापस लैपटॉप पे आते हैं और इसकी भी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये मैं खोलता हूँ लैपटॉप को, और अंदर हमें एक और रैपिंग सी देखने को मिल जाती है, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। और जितना मेरा आइडिया लैपटॉप हाँ खुद ऑन हो जाता है मैकबुक प्रो इसको खोलते ही। अब आप लोगों ने अनबॉक्सिंग देख ही ली है, तो एक सेकंड, एक कॉल आया। हेलो, हाँ, मैं ज़रूर बोल दूंगा वीडियो में कि टेक बार को सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर दो इस वाली वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है, अरे लोग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, टिम कुक का कॉल था यार। चलो मजाक को साइड में रखते हैं, वापस मैकबुक प्रो पे आते हैं। मैंने इसको सेटअप कर लिया, थोड़ी देर यूज़ किया, इसकी परफॉर्मेंस तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की लगी है, और मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आया है टच बार, काफ़ी स्मूथ है और यूज़ करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। 2016 मैकबुक प्रो के बाद भाई एप्पल ने किसी भी अपने मॉडल के अंदर एप्पल लोगों को लाइट अप नहीं किया है, मतलब जलता नहीं है वो। तो ये मेरे लिए बहुत एडवांटेज की बात है। जब भी मैं अंधेरे में काम करता हूँ, मेरे घर वाले इरिटेट हो जाते हैं कि भाई इस लाइट को बंद कर, तो भाई ये ऑटोमेटिकली बंद हो ही चुकी है। बाकी यार एक आपको मैं फैक्ट बताता हूँ कि कोई भी एप्पल यूज़र होगा ना, वो एप्पल को गाली देगा और एप्पल ही यूज़ करेगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि एक्चुअल में यार कुछ ज़्यादा ही चार्ज करते हैं, बट ये कि यार मैं मानता हूँ रिटर्न में बहुत सारी वैल्यू देते हैं, बट सच में यार बहुत महंगे होते हैं, तो अंदर से गालियाँ निकलती हैं और साथ के साथ यार काम भी निकलता है। बाकी भाई ये थी मेरी वीडियो, होप यार आपको पसंद आई हो। अगर आई है तो यार प्लीज़ लाइक करके मेरे को जरूर बताना, सब्सक्राइब करके हमारे टेक गैंग को ज्वाइन कर लो, हम लोग क्वालिटी में रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।